फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह का ड्रेस, चोली और इस तरह की टोपी बनाना सीखनी है फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये ड्रेस हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे। देखिए, इसको पहनाना भी बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीपी सितारा का कपड़ा लिया है, बहुत ही अच्छा और हैवी है, तो इससे हम बनाएंगे ड्रेस। तो यहाँ पे मैंने अस्तर कपड़े में मैंने राउंड शेप काट लिया है और इसकी लंबाई है फ्रेंड्स 3 इंचेस 2 पॉइंट इस, और राउंड शेप को खोलकर देखेंगे तो 7x7 इंचेस का ये राउंड शेप है फ्रेंड्स। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे और कमर काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बार फोल्ड किया है। अब हम 1/2 इंच कमर पर मार्क करके कैंची की मदद से काट लेंगे। यहाँ पे मैंने अस्तर का यूज़ किया है, चाहो तो आप यहाँ पे कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये मैंने कमर काट ली है। अब हम इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और कैंची की मदद से काट लेंगे। देखिए, ये मैंने काट लिया है। अब हम चारों तरफ स्टिच कर लेंगे पूरे राउंड में। ये पूरे राउंड में मैंने टिच कर लिया है। अब हम चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि राउंड शेप का फिनिशिंग अच्छा आए फ्रेंड्स। अब हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और पूरे राउंड में अच्छी तरह से शेप में लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हो गया ना। तो यहाँ पे हम इस तरह से मोड़ कर अब हम कपड़े को भी कमर काट लेंगे। तो ये हो गई हमारी कमर। अब हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए, 1.5 इंच है ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी का पैर आ जाए। अब यहाँ पे मैंने रिबिन का यूज़ किया है, आप चाहो तो कपड़ा या लेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने छोटे छोटे प्लेट्स ले लिए और पूरे राउंड में टिच करके लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, है ना इजी तरीका। तो ये हो गई हमारी टीच। अब हम यहाँ पे लंबाई 3 इंच और चौड़ाई इसकी 1/5 इंच है। तो यहाँ पे हमने जो कट्स लगाए हैं ना, वहीं पे हम इसको टीच करके अटैच कर देंगे ताकि हमारे कपड़े में से धागा धागा ना निकले। इस तरह से करने से लड्डू गोपाल जी के पैर आसानी से आ जाते हैं फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे कट्स लगा देंगे। हमें सिलाई को कट नहीं करना है और इसको पीछे की ओर पलट लेना है। तो ये हो गई पलटना। और अब हम यहाँ पे इस तरह से रिबिन को अटैच कर देंगे टीच करके। आप चाहो तो यहाँ पे नेफा भी बना सकते हो और कपड़े से भी राउंड शेप में टीच कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इसका लुक कितना अच्छा आ गया। अब हम लगा देंगे वेलक्रो। आप चाहो तो यहाँ पे दोरी भी अटैच कर सकते हो। इस तरह से करने से कमर की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा घेरा। अब हम बनाएंगे चोली। तो यहाँ पे मैंने अस्तर लिया, इसकी लंबाई है 6.5 इंच और चौड़ाई इसकी 2.5 इंच है फ्रेंड्स। अब हम इसको 2 बार फोल्ड कर देंगे और जो खुला भाग है वो बाहर की तरफ रखा है। यहाँ पे हम 1/2 इंच पर मार करके इस तरह का राउंड दे देंगे और यहाँ से कैंची की मदद से काट लेंगे और 1/2 इंच हम
गला भी काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली बनके रेडी है। अब हम बीच में से कट कर लेंगे ताकि हमने पहनाने में आसानी रहे फ्रेंड्स। अब हम इसको इस तरह से पीच कर लेंगे गले के, तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है फ्रेंड्स। तो ये हो गई हमारी पीच। अब हम चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे, बीच में भी एक्स्ट्रा कपड़ा काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस तरह से अस्तर को पलट लेंगे तो गले की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है फ्रेंड्स। अब हम दोनों साइड पर इस तरह से रिबिन को अटैच करके अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी टीच हो गई। अब हम कमर की दूरी बना लेंगे ताकि चोली की फिनिशिंग अच्छी रहे। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पर मार्क करके वहाँ पर टीच करके ये दूरी अटैच कर दूंगी। तो ये हो गई हमारी टीच, है ना इजी तरीका। अब हम बनाएंगे टोपी की लंबाई है 4 इंचेस और चौड़ाई इसकी 2 इंचेस है। तो यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल लिया है, तो 4 इंचेस पर हम ये रिबिन को अटैच कर देंगे टीच करके। मैंने पहले से ही प्लेट्स बना दिए हैं फ्रेंड्स। तो दोनों सामने हमने ये टीच कर ली है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मोड़ कर अब हम पलट लेंगे, पलट कर दोनों किनारों पर हम टीच कर लेंगे, है ना इजी तरीका। बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं टोपी। तो फ्रेंड्स, अब दोनों कोनों को इस तरह से मोड़कर 1/2 इंच हम दोनों साइड टीच कर लेंगे। तो देखिए ये टीच हो गई, अब हम पलट लेंगे तो बन गई हमारी टोपी। फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो कितना पसंद आता है। तो ये बन गई टोपी, ये बन गया हमारा घेरा, ये चोली। तो है ना इजी तरीका।